न्यूज़ सिर्फ सच। जरा वाराणसी में 20 जनवरी को दिए गए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के भाषण को सुनिए। देश के 80 करोड़ गरीबों को पहली बार कोई सरकार ने इसकी चिंता की है तो नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार। कुछ सुना आपने, अमित शाह केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा गठबंधन की सरकार को बार बार मोदी सरकार बता रहे हैं। एक बार फिर से सुनिए। 3.5 करोड़ महिलाओं को अपने घर के अंदर, ग्रामीण गरीब महिलाओं को गैस देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने समाप्त कर दिया है। उसकी झोपड़ी में से धुआं खत्म करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। लोकसभा चुनाव 2019 से पहले भाजपा और उसके नेता ब्रांड मोदी को नई धार देने में जुटे हैं। उनकी कोशिश है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जिस तरह पिछले चुनाव में लोग जाति धर्म मतभेद भुलाकर पूरी ताकत से जुटे थे, उसे न सिर्फ बनाए रखा जाए वरन संभव हो तो और बढ़ाए। ब्रांड मोदी को नई धार देने के लिए पिछले 3.5 सालों में केंद्र सरकार द्वारा दिए गए नीतिगत फैसलों, लागू की गई योजनाओं, वैश्विक स्तर पर प्राप्त क्रेडिट आदि को जोर शोर से बताया जा रहा है। आज भी हिंदुस्तान में दुनिया के युवाओं की सबसे बड़ी धड़कन, सबसे बड़ा आकर्षण आपके हमारे लोकप्रिय सांसद और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने युवाओं में ऊर्जा भरने का एक बड़ा संदेश दिया था। और वो मोदी जी ने संदेश दिया था जिन्होंने हिंदुस्तान की सीमाओं से आगे बढ़कर दुनिया में मिलेनियम लीडर्स की श्रेणी में अमेरिका, रूस और चीन जैसी महाशक्तियों को पछाड़ते हुए जर्मनी और फ्रांस के बाद अपना तीसरा सर्वोच्च स्थान दुनिया में स्थापित किया है सर्वेक्षण के अंदर। कि केंद्र ने पिछले 3.5 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से कार्यों की एक नई गति प्रारंभ हुई है, भारत का सम्मान अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज में जब बढ़ा है, आज आप जानते हैं जब दुनिया के अंदर अगर 3 देशों की चर्चा होती है तो उन 3 देशों में भी भारत का नाम होता है। अमेरिका का नाम होगा तो साथ साथ भारत का भी नाम लिया जाता है। अमेरिका के अंदर दुनिया की किसी अन्य ताकत के रूप में रूस का नाम लिया जाएगा तो भारत का भी उसके साथ नाम जोड़ा जाता है, क्योंकि आज भारत के अंदर एक गौरवशाली नेतृत्व भारत को नेतृत्व प्रदान कर रहा है। क्या दुनिया के अंदर जब कहीं भी कोई कार्यक्रम चलता है आप देखते होंगे, पहले भारत को कोई पूछता नहीं था, भारत के बारे में भारत की पहचान उस रूप में नहीं होती थी, लेकिन आज जब देश के अंदर प्रधानमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को नेतृत्व देना प्रारंभ किया, आज आप देखते होंगे अमेरिका के अंदर चुनाव हो, जर्मनी के अंदर चुनाव हो, फ्रांस के अंदर चुनाव हो, ऑस्ट्रेलिया के अंदर चुनाव हो, एक मुद्दा यह भी होता है कि आखिर वहां पर बनने वाला राष्ट्राध्यक्ष कैसे कार्य करेगा। उनको बोलना पड़ता है कि जैसे भारत के अंदर श्री नरेंद्र मोदी जी जैसे भारत को नेतृत्व दे रहे हैं, वैसे ही उन देशों में भी वहां के चुने जाने वाले राष्ट्राध्यक्ष भी नेतृत्व देंगे। यह एक मानक आधार दुनिया के अंदर तैयार हुआ है जिसमें केवल नरेंद्र मोदी जी का सम्मान नहीं, भारत की 125 करोड़ जनता का सम्मान बढ़ता है। 125 करोड़ जनता का सिर गौरव के साथ ऊपर उठता हुआ दिखाई देता है। ब्रांड मोदी को बड़ा और मजबूत बनाने के लिए पुराने स्थापित महापुरुषों के नाम का इस्तेमाल करने में भी गुरेज नहीं किया जा रहा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, महापुरुषों के नाम का जमकर इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री को विवेकानंद से भी महान बताने से गुरेज नहीं किया गया। वाराणसी में हुए भाषण में कहा गया कि एक नरेंद्र यानी विवेकानंद ने धर्म संसद में भारत का जयघोष किया था। आजादी के 70 साल बाद नरेंद्र मोदी जी ने भारत का जयघोष पूरे विश्व के अंदर करने का काम किया है।
विवेकानंद जी ने गुलामी के जमाने में भारत का जयघोष विश्व संसद के अंदर किया था, और आजादी के 70 साल के बाद नरेंद्र मोदी जी ने भारत का जयघोष पूरे विश्व के अंदर करने का काम किया। राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता और हर एक दूसरे से खुद को बड़ा और महान बताता रहता है। इसके बावजूद कुछ तो विवशता होती है कि लोग फॉलोअर बनने को मजबूर हो जाते हैं। इस समय भाजपा और उसके सहयोगी दलों के नेताओं की यही मजबूरी है। चुनाव जीतने के लिए उनके पास मोदी से बेहतर कोई विकल्प नहीं है। मोदी के नाम के सहारे ही सत्ता सुख उठा रहे ये नेतागण मोदी ब्रांड का गुणगान कर आगे भी सत्ता में बने रहने को तत्पर है। प्रधानमंत्री की आम जनता में विश्वसनीयता आज भी सर्वाधिक है। विपक्ष का कोई भी नेता उनके आसपास भी नहीं है। इन हालात के बावजूद राजनीति में कोई झटका न खाना पड़े, इसलिए भाजपा और उनके सहयोगी दल कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। वे मोदी नाम के ब्रांड को सबसे ज्यादा आकर्षक और कीमती बनाकर रखना चाहते हैं। जिस तरह कभी देश की राजनीति में नेहरू गांधी परिवार सबसे आकर्षक और जनमानस को खींच कर चुनाव जिताने वाला समझा जाता था, आज वह स्थिति ब्रांड मोदी की है। इसलिए इसे धार देने में ही नेतागण अपनी भलाई समझ रहे हैं।